व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। मेहनत जो होता है वो सीढ़ियों की तरह होता है और भाग्य जो होता है वो लिफ्ट की तरीके से होता है। यानी कि कई बार आप लोगों को लिफ्ट खराब हुई मिलेगी पर लेकिन सीढ़ियां जो है हमेशा आप लोग यूज करके ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठिए। आप लोगों ने बात सुनी थी ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठो। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो। कभी ना कभी अगर आप लोग इस तरीके से भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो बिल्कुल लिफ्ट जैसे कई बार रुक जाते हैं, इसी तरीके से आप भी कहीं पर भी रुक सकते हैं। पर लेकिन अगर अपनी मेहनत के बल पर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए सीढ़ियां हमेशा ऊपर जाती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। आप लोग जैसे चाहे उन पर चल सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां चाहे वहां पर रुक सकते हैं पर लेकिन लिफ्ट यानी कि जो भाग्य बालते हैं वो आप लोगों के हाथ में नहीं होता है। इसलिए आपको उस चीज पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए जो आप लोगों के हाथ में है और आप लोग जब चाहे जिस स्पीड से चाहे जहां से चाहे उसको निकाल के ऊपर ले जा सकते हैं। यानी कि अपनी लाइफ को जो सी डायरेक्शन आप लोग देना चाहे वो डायरेक्शन आप लोग दे सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर आप लोगों को विश्वास करना है, ना कि भाग्य के ऊपर। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, पर आगे बढ़ने से आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि है इजिप्ट। आप लोगों को जाकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इजिप्ट को निहारना है। हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट चल रहा है, काफी कुछ हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, तो एक एक कंट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आज आप लोगों का जो क्वेश्चन है यह इजिप्ट, जाइएगा और देखिएगा क्या क्या सिचुएशन है इसके बारे में। अब देख लेते हैं आंसर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, या फिर आप लोग इसको रिविजन भी बोल सकते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की गई थी। तो जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर ये था रिलेटेड महाराष्ट्र से। सो सेवंथ पे कमीशन इंप्लीमेंट करने की जो बात की गई है अभी रिसेंटली, ये की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा और ये बोला गया है कि ये 1 जनवरी 2016 से इसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पर पैसा लोगों का होगा वो 1 जनवरी 2016 से उनको बढ़कर मिलेगा अब तक का। तो यहाँ पर ये सेवंथ पे कमीशन को इस तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। आगे बात की जा रही है यहाँ पर ये सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल, ये एक हॉर्स से रिलेटेड फेयर है। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसमें यहाँ पर हॉर्स जो कि घोड़े होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है और ये महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलता है। जो रिवर डॉल्फिन जो मिसिंग हो रही है वो सुंदरबन जो वाटर है जो डेल्टा है उसके बारे में हम लोगों ने पूछा था यहाँ पर कि ये इस पर्टिकुलर एरिया जो कि आप लोगों को बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है खासकर डॉल्फिन मछलियों के लिए। नीति आयोग के द्वारा जो हमारी कंट्री में ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनको हम लोग पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोल रहे थे, वो 111 डिस्ट्रिक्ट थे, उनकी रैंकिंग यहाँ पर तैयार की और देखा कि यहाँ पर जो भी इनको तब डिसाइड किया था कि ये डिस्ट्रिक्ट को हम लोग को डेवलप करना है उसमें से कुछ का तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा और कुछ का काफी बुरा रहा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा ये था यहाँ पर विरुद्धनगर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर तमिलनाडु में, और जो यहाँ पर सबसे अच्छा रहा और जो सबसे बेकार रहा ये था झारखंड में पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए जो रैंक यहाँ पर जो सर्वे यहाँ पर किया गया नीति आयोग के हिसाब से, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बात की थी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि आसाम से रिलेटेड है, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन आसाम के सिटीजन है और कौन आसाम के सिटीजन नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर 30 जून तक यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि 6 महीने का और टाइम यहाँ पर इसको दे दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर फोकस देकर चलती है किसी भी कोने में वर्ल्ड के कहीं पर भी ह्यूमन राइट का हनन न हो, उसी को यहाँ पर 1977 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था जो कि ट्विटर के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब ट्विटर यहाँ पर आज के में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको हैंडल करने में यहाँ पर असफल आज के में हो रहा है। तो आइए देखते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से फेसबुक से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम, सब जगह आप लोगों के लिंक जो है वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जहां से आप लोगों को सुटेबल लगे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर पसंद आती है चीजें तो शेयर करना मत भूला कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है ई कॉमर्स कंपनी और एफडीआई के बारे में। तो नई यहाँ पर रूल निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर स्नैप पोल की बात की जा रही है उसमें इसराइल में, तो इसराइल में जो बीच में ही यानी कि नेक्स्ट ईयर यहां पर इलेक्शन होने वाले थे नवंबर में, पर लेकिन उसमें पहले इलेक्शन कराने की यहां पर बात की जा रही है। तो इसी को डिस्कस किया गया क्या क्या प्रॉब्लम यहां पर निकल सकती है इसराइल के अंदर और किस चीज किस तरीके से इसराइल और पैलेस्तीन के ऊपर भी हम लोग यहां पर थोड़ा नजर डालेंगे। फिर से ट्रांसजेंडर के ऊपर यहां पर ये आर्टिकल आया है, तो कई सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से नजर डालेंगे आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। क्या गांधी जी आज किट में रिलेवेंट है, काफी शानदार तरीके से प्यारा सा आर्टिकल लिखा गया है और कई सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। आज सैटरडे और सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो, तो ग्राउंड जीरो में जब की बार के यहाँ पर स्टोरी आई है या ये हंगल के बारे में, ये जम्मू और कश्मीर का एक स्टेट एनिमल है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। नॉर्मली इसको कंजर्व करने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड ज्यादा नहीं है, तो किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट बातें एक दो है, एक तो ये याद रखिएगा हंगल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर का स्टेट एनिमल है एक, यहाँ पर जो इसको आज की डेट में कंजर्व या फिर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर है दचीगाम नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है जिसमें इसको प्रोटेक्ट करने की बात की
जा रही है जो कि जम्मू और कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलता है। नेशनल पार्क से रिलेटेड सारी वीडियो आप लोगों की कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां पर भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को नेशनल पार्क है वो सारे मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। अगर आप किसी ने नहीं देखी है तो जाकर देखते हैं, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलते हैं, सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में। तो आप लोग यहां पर देखिए, ये है यहां पर, अगर आप लोग देखेंगे ये यहां पर पर्टिकुलर एरिया, जो यहां पर ये वाला एरिया है ये वाला आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा, और जो यहां पर ये वाला एरिया है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैलेस्टीन। तो यहां पर आज बात करेंगे हम लोग इजराइल के बारे में। इजराइल यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और जो आज के डेट में इसकी प्राइम मिनिस्टर है ये है बेंजामिन नितिनयाहू। काफी न्यूज में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और इसके अलावा जो यहां पर ईरान या फिर सऊदी अरेबिया के रिलेशन की वजह से कई बार बातें निकल कर आती हैं। करेंसी की अगर यहां पर बात करेंगे तो ये है यहां पर सेकल, और यहां पर जेरूसलम ये अपनी कैपिटल बताते हैं, जिसके ऊपर काफी विवाद भी रहता है। अभी यहां पर देख लीजिए एक बार, जब बात की जा रही है यहां पर देखिए, अगर आप लोग इसराइल के जन्म की बात करेंगे तो 1948 में लगभग इसराइल का जन्म हुआ था। उस टाइम से लेकर आज तक आप लोग देखेंगे जो पैलेस्टीन है उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, और मैक्सिमम एरिया आज के में इसराइल के कंट्रोल में आ चुके हैं। मेन रीजन यहां पर यह भी है जिसकी वजह से यहां पर यूएसए की जो सपोर्ट है उसकी वजह से भी आप लोग बोल सकते हैं। पैलेस्टीन की बात कीजिए, अगर यहां पर वेस्ट बैंक वाला रीजन है ये फतेह कंट्रोल रीजन है, यहां पर ये एक ग्रुप है यहां पर जिसको कंट्रोल करता है, और ये जो वाला रीजन है यहां पर जिसको गाजा स्ट्रिप या फिर गाजा पट्टी गाजा सिटी बोला जाता है, ये एक हमास कंट्रोल ग्रुप है यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर बात करें जेरूसलम तो ये एक रिलीजियस प्लेस है दोनों के लिए ही, ज्यूस के लिए भी और यहां मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इसको माना जाता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, और नीचे हो गया इजिप्ट, यहाँ हो गया जॉर्डन, और ऊपर हो गया सीरिया। अगर इंडिया के कंपेयर में आप लोग देखना चाहते हैं कि कहां पर है लोकेशन, तो आप एक बार मैप में इसको निहार सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर ये बीचों बीच में, देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इधर से आप लोग इधर आएंगे, थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसराइल, ठीक है। ये है पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया यहाँ पर इसराइल, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और नीचे आप लोग जानते हैं ये हो गया यहाँ पर रेड सी। अब आप लोगों के सामने कंप्लीट लोकेशन है, तो इसके बारे में अभी जिक्र क्या किया जा रहा है। अभी यहां पर जो बेंजामिन नितिनयाहू है इनके द्वारा बोला गया है कि स्नैप पोल कराने की, यानी कि जो पहले इलेक्शन होने थे उन इलेक्शन को अभी यहां पर अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी जो असेंबली है जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया है। और देखिए कई सारी पोलों में यहां पर देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो यहां पर प्रोटेस्ट इनके ऊपर कई सारे चार्ज लगाए जा रहे हैं आज के डेट में रिसेंटली, करप्शन के चार्ज भी इनके ऊपर लगाए गए हैं। दूसरी बात यहां पर यह देखने को मिल रही है, इन्होंने यहां पर बोला है कि ये अभी सुलह करने के चक्कर में है हमास ग्रुप से, तो इसकी वजह से भी इनकी पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, बोल रही है कि यहां पर हम लोगों को इनके साथ में कभी भी सपोर्ट इनको नहीं करना है। इसके अलावा यहां पर कुछ इश्यू ये भी निकल कर आ रहे हैं कि यहां पर देखिए नॉर्मली इजराइल में एक लॉ है कि हर एक जो इजराइल सिटीजन है उसको कुछ टाइम के लिए आर्मी के लिए सर्व करना पड़ेगा, यानी कि आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, पर लेकिन अगर माने यहां पर जो यहां पर रिलीजियस कम्युनिटी के जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको यहां पर इससे छूट दे दी गई है, तो इसके लिए भी कई बार क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन है यहां पर, तो एक दांव खेला गया यहां पर बेंजामिन नितिनयाहू के द्वारा इस कंडीशन में, तो देखते हैं कि क्या इलेक्शन का रिजल्ट निकल के आएगा, वो यहां पर देखने वाली बात होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के भी काफी रिलेशन है इजराइल के साथ में, खासकर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सपोर्ट करता है इजराइल हमको, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इलेक्शन के बाद में कंडीशन यहां पर उभर कर आती है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बात की जा रही है यहां पर जेंडर, जो यहां पर अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसजेंडर की हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के बारे में आर्टिकल है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कंट्री में 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसको बोलते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहां पर केस निकल कर आया। ये यहां पर केस लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के इस केस के द्वारा यहां पर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई, यानी कि मेल और फीमेल की तरह ट्रांसजेंडर, यानी कि जो हिजरा जो किन्नर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको थर्ड जेंडर यानी कि तीसरा यहां पर जेंडर बनाने की बात की गई, और बोला गया कि इनको भी फंडामेंटल राइट हम लोगों को देने चाहिए जो इनके राइट्स हैं, क्योंकि ये नेचुरली चीज है, हम लोग इनको इस तरीके से सेग्रीगेट सोसाइटी से नहीं कर सकते। इतने लंबे समय से अगर आज तक आप लोग टाइम पीरियड निकाल के देखेंगे इनको कोई राइट ही नहीं दिया जाता है, ना तो इनको रिजर्वेशन है कोई भी एजुकेशन में या फिर इंप्लॉयमेंट में, ना ही इनका कोई राइट है, कोई इनकी डिग्निटी को यहां पर ढंग से ध्यान में रखता है, तो इस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन यहां पर जेंडर इक्वलिटी की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कराओ आप लोग जॉब में और इसके अलावा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर, तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, पर लेकिन अगर यहां पर आप लोग देखेंगे एक भी बात को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, सारी बातें यहां पर साइड में कर दी गई जो नालसा जजमेंट यहां पर निकल कर आया था। अभी हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट बिल 2018 निकल गया जिसको लोकसभा में पास किया गया,
मेन प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, सबसे पहली सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में बात आ रही है, यानी कि मेल है कि फीमेल है, ये अगर मेल पैदा होता है तो मेल होता है, फीमेल पैदा होता है तो फीमेल पैदा होता है, हम लोग को जाकर कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है, पर लेकिन ट्रांसजेंडर को यहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए यहां पर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी यहां पर रखी गई है, जो राइटर बोल रहे हैं इसको हटा देना चाहिए, अगर आप लोग यहां पर जो नाल सा जजमेंट आया था उसके हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं, तो यानी कि अगर जजमेंट के हिसाब से चलें तो देखिए ये वो सही तरीका नहीं है, जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल मेल और फीमेल फॉर्म में निकल के आता है कोई चेक नहीं करता है कि मेल है फीमेल है, पर लेकिन यहां पर अगर चेक किया जाएगा तो ये गलत बात है और इस तरीके से आप लोग एक तरीके से उनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को यहां से प्रोविजन इस बिल में से हटा देना चाहिए। दूसरी बात बोली जा रही है, जो यहां पर भीख मांगना उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, अगर कोई फोर्सफुली इनको भीख मांगने के लिए यहां पर मजबूर करता है, आज की डेट में ना तो आप लोग इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ना ही आप लोग इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो किस तरीके से यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, और आज की डेट में घर से इनको निकाल दिया जाता है या फिर आप लोग बोलिए घर को छोड़ देते हैं, या फिर ये बोले कि इतना तिरस्कार इनको झेलना पड़ता है सोसाइटी में कि उस एरिया में रहना ही पसंद नहीं करते, अपनी खुद की एक कम्युनिटी बनाकर उस कम्युनिटी में जाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो किस बेस पर आप लोग यहां पर इनको ये बिल लाकर इनके सामने रख रहे हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं है, कोई एजुकेशन की बात यहां पर नहीं की जा रही है, इनके फंडामेंटल राइट की बात यहां पर नहीं की जा रही है, तो आखिर क्या है इस बिल में जो कि आप लोग इस बिल को लेकर आ जा रहे हैं, ये बिल तो बिल्कुल भी वो चीजें फॉलो ही नहीं कर रहा है जो कि यहां पर नालसा जजमेंट में बोली गई थी, तो इस तरीके से आप लोग ऐसा जजमेंट नहीं, ऐसा यहां पर बिल लेकर नहीं आ सकते। इवन यहां पर 2% रिजर्वेशन की भी बात हो रही थी जिसको बिल्कुल नकार दिया गया है, इसको भी यहां पर नहीं बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बोला गया था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है ओबीसी के अंदर आप लोग इसको 2% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ, क्यों यहां पर इनको रिजर्वेशन रहेगा तो कम से कम इनकी जो सीट्स रहेंगी ये कम से कम उस पे अपना एडमिशन या फिर अपनी जॉब उस पर ले सकते हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ की तरीके से ये जी सकते हैं, पर लेकिन आज की डेट में सेक्सुअल असोल्ट बहुत ज्यादा इनका होता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि कहने का मतलब है गलत गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, चाहे किसी भी एंगल से आप लोग देख लीजिए। बिल का मतलब यही था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में कि इस कम्युनिटी को थोड़ा तो कुछ फायदा मिले, थोड़ी तो चीजें सुधरें, पर लेकिन आप लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल बिल को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे कोई बिल है ही नहीं है कंट्री में, यानी कि जैसी कंडीशन इनकी पहले थी वैसी कंडीशन अब हो जाएगी। आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी यहां पर लॉस कर दी है, जो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही थी कि एक अच्छा बिल लेकर आए, तो इसीलिए बोला जाता है जब भी कोई यहां पर अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होती है कम्युनिटी के लिए कुछ करने की, या फिर कोई ऐसे बिल की किसी को राइट को यहां पर या फिर इंप्लॉयमेंट के बारे में या फिर सोसाइटी में डेवलपमेंट के बारे में, तो ये राइटर बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने मिस कर दी, ऐसा आप लोगों को नहीं करना था। ये था कंप्लीट आर्टिकल। अगला आर्टिकल यहां पर देखते हैं, एक साइड में है महात्मा गांधी जी और एक साइड में है जमाल खशोगी। तो ये आर्टिकल में आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा इसमें, यहां पर यह है क्या गांधी जी की आइडियोलॉजी, जो गांधी जी के विचार थे नॉन वायलेंस वाले, क्या वो आज की डेट में भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड है आज के डेट में भी जो इनके विचार थे। देखिए गांधी जी से रिलेटेड आप लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी, ठीक है, जैसे संजय दत्त की मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस वगैरह, ये सारी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, तो इनमें सारी बातें ये दिखाई गई है कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करके चलते थे, यानी कि इस हद तक चीजें दिखाई गई हैं, अगर आप लोगों को कोई परेशान कर रहे हैं तो आप लोग उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन के रहो, वो अपनी जो भी हरकतें कर रहा है वो अपनी हरकतें अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। इनके द्वारा एक सबसे शानदार बात जो बोली जाती है मुझे वो लगती है कि देखिए कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसकी संगत जिस संगत में वो रहता है वो संगत उसको बुरा बना देती है। कोई भी इंसान पैदा तो एक ही तरीके से होता है, मरते तो एक ही तरीके से, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रीजन के हो, पर लेकिन जिस सोसाइटी में जिस रीजन में पैदा होते हैं उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति हो जाती है वो उनको ऐसा बनाती है। अगर आप लोग उनको वहां से निकालकर एक सही एरिया में उसको ला सकते हैं तो देखिए बिल्कुल ऐसे आप लोग देखते हैं, जैसे उंगली माल डाकू की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, आगे चल के एक साधु बन जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर इंसान को सही संगति में रखा जाए, अगर इंसान को सही तरीके एजुकेशन दी जाए, हेल्थ और इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए, तो कोई भी इंसान गलत डायरेक्शन पे नहीं चलेगा अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमेशा ये बोलते थे और ये बातें अगर आज के डेट में रिलीवेंसी की बात करें तो आप लोग किसी भी तरीके से इनको नकार नहीं सकते। आज की डेट में तो और भी ज्यादा रिलीवेंट हो गई है क्योंकि आज के डेट में करप्शन बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज की डेट में तो ये सारी बातें और भी ज्यादा इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो कंप्लीट आंसर आप लोगों को देना है ये सारे वर्ड्स यूज करके जो मैंने अभी आप लोगों को बोले हैं। बाकी आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही हैं। देखिए हुआ क्या, गांधी जी की 149th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसी के साथ में हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि नॉन वायलेंस है, यानी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, इन सब चीजों से हम लोग को बचना चाहिए। इसी दिन एक ऐसी हरकतें की गई जिसने यहां पर
जर्नलिस्ट वर्ल्ड को दहला के रख दिया। ये क्या था? ये था जमाल कसोगी। जमाल कसोगी जो कि यहाँ पर इनको मारा गया किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा। कहां पर मारा गया? तुर्की में ले जाके, जो कि उनकी कौंसुलेट थी वहां पर इसको मारा गया, इसमें जमाल कसोगी को तुर्की में। तो देखिए मारा भी किस दिन गया? जिस दिन नॉन वायलेंस की बात की गई थी। और मारने का भी एक नया तरीका, इनकी बॉडी के टुकड़े करके काट पीट कर उसको एसिड में डाल दिया गया, यानी कि उसको डिसॉल्व कर दिया गया, पानी की तरीके से उसको नाली में बहा दिया गया पूरी बॉडी को। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये नॉर्मली गोली मारकर हत्या की जाती थी, गला काटकर हत्या की जाती थी, तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोगों ने सुना था, पूरी बॉडी को ही एक तरीके से पानी की तरीके से बहा दिया। तो ये एक नया स्टैंडर्ड आप लोगों ने तैयार कर दिया है कि हाँ आप लोग किस हद तक जा सकते हैं। एक नया नॉर्मल है आज के डेट में, जो कि वायलेंस के बेस पर आप लोग यहां पर देखते हैं, जिसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर देखिए कि एक ऐसी हरकतें की गई कि इस इंसान का यहां पर किसी को अस्थि भी नहीं मिली, यहां पर एक तरीके से ऐसी आप लोग बात बोल सकते हैं, कोई हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला, इस तरीके से गला दिया गया पूरा शरीर। तो ये कंडीशन वो भी उस दिन की गई जिसको हम लोग नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जिसने गलती की उसने गलती की ही की। जो लोग यहां पर हमेशा चिल्लाते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कोई अच्छा स्टेप उठाए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे। तो जो ग्लोबल पुलिसिंग का काम करते थे, जो हमेशा बोलते थे ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है कहीं पर भी हो जाए, वो कूद पड़ते थे इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, जहां पर भी आप लोग देखिए, वो वहां पर कुछ उन्होंने स्टेप ही नहीं उठाए, क्योंकि वहां पर ऐसा इंसान आज के दिन में गद्दी पर बैठा है जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं क्या नाम है, बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें यहां पर बोली जा रही है, यानी कि ये एक अलग ही तरीके का वर्ल्ड नजर आ रहा है जो आज की डेट में किसी भी हद तक जा सकता है अपने बिजनेस इंटरेस्ट को साधने के लिए। और वॉयलेंस आज के डेट में जो इतने बढ़ रहे हैं, एक अलग लेवल एक ऐसा निकल के आ रहा है, अगर ऐसी चीजें हो भी जाती हैं तो हम लोग पढ़ के, एक ऐसा नहीं होता कि हम लोग डर गए घबरा गए, हमको लगता है अच्छा हो गया चलो कोई नहीं। अभी कुछ दिनों पहले दंगे फसाद हुए यहाँ पर, आपको बुलंदशहर में देखने को मिलेगा, एक पुलिस वाला मार दिया गया, न्यूज पढ़ी और सब शांत हो गए कि हाँ पुलिस वाला था चलो मर गया, कोई और भी मर जाता कि हाँ चलो मर गया, एक गाड़ी गिर गई उसमें गड्ढे में ये इतने सारे लोग मर गए अच्छा मर गए, अमृतसर में ट्रेन गई इतने सारे लोगों को मार के काट के चली अच्छा मर गए। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो रही है, इतने लार्ज स्केल पर हो रही है, अगर दो चार आदमी इधर उधर आज के में मर भी जा रहे हैं तो सुनने के बाद में कोई ऐसा अफसोस नहीं होता है कि यार वो इंसान मर गया। वरना एक टाइम हुआ करता था अगर कोई मर जाता था तो यहां पर ऐसे लगता था यार कि पता नहीं क्या हो गया है। आज की डेट में ऐसा सोसाइटी में हो गया है। और देखिए यहां पर ये राइटर जो है थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं, ये बोलते हैं कि ये एक बच्चे से मिले जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहता था, यानी कि उस बच्चे से ये कई बार मिले, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो बच्चा था उससे इन्होंने बात की। तो देखिए जो बच्चा था यूपी से एक एरिया से निकलकर दिल्ली में उसके माता पिता है जॉब के चक्कर में, और वहां पर आकर वो रहने लगे। उसकी जो डे बाई डे की लाइफ स्टाइल होता था वो इतना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं गलत होता था कि वो एक तरीके से जैसे बड़ा होता चला गया उस माहौल में, वो माहौल उसको ऐसा कर दिया कि वायलेंस वगैरह जो जैसी चीजें हैं उसके इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, कौन मर रहा है कौन क्या हो रहा है वो सब उसके लिए एक नॉर्मल बात वहां पर हो गई थी, क्योंकि एक ऐसे एरिया में वो रह रहा था वहां पर डेली उसको यातनाएं वहां पर झेलनी पड़ती थी। तो एक होलो ह्यूमन यहां पर बोला जा रहा है, एक अर्ली लाइफ में ही ये बच्चा बन गया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये बोली जा रही है कि देखिए एक दिन था यहां पर ये इन्होंने बोला कि मैंने इसको रिस्टोर करने की भी कोशिश की, एक अच्छे लेवल पर यहां पर काम करने की कोशिश की कि एक बच्चे को कम से कम सुधारा जा सके। अगर लाइफ में आप लोग किसी एक इंसान को भी सुधार देते हैं ना तो इसका मतलब आप लोगों की लाइफ सफल हो गई। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर बच्चे जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसको सही डायरेक्शन आप लोग दे सकते हैं तो आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया अपनी लाइफ में। एक इंसान को सुधारने का मतलब आप लोगों ने एक फैमिली को सुधार दिया, अगर आगे चल के जो भी फैमिली स्टार्ट होगी अब एक अच्छी फैमिली स्टार्ट हो पाएगी। तो इसलिए यहां पर राइटर ने भी अपनी प्रैक्टिस की यहां पर, लेकिन जो टेलीविजन में न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें आज के में दिखाई जा रही हैं वो ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं आज के में एज कंपेयर टू अगर आप लोग किसी को समझाते हैं उसके कंपेयर में। देखिए एक दिन थी छुट्टी थी बच्चे की, तो बोला गया 2 अक्टूबर आया और बोला कि हॉलीडे है। तो बच्चे ने पूछा कि यहां पर ये छुट्टी कैसी है, तो इन्होंने बताया कि गांधी जयंती है। तो देखिए बच्चे के जो चेहरे पर थी उसको बोला कि उसका चेहरा सोचने वाला था कि ऐसा क्या, एक पजल्ड फेस था उसका, पजल्ड लुक था वहां पर, तो बच्चा जो इस टाइम पर लुक दे रहा था यानी कि गांधी जी के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था, ऐसी यहां पर चीजें निकल कर आई। तो जब इसने बोला कि गांधी जयंती है राइटर ने, तो उसने बोला कि केक कौन काटेगा, तो ये बात यहां पर निकल कर आई। कहने का मतलब ये उसको पता ही नहीं है, एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता है कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति यहां पर हमारी कंट्री में था। और ये ओनली गांधी जी के बारे की बात नहीं की जा रही है, उसको किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता है, हमारे फ्रीडम फाइटर कौन थे, किस तरीके से चीजें हुई, क्योंकि उसको एजुकेशन ही नहीं मिली है। तो इस तरीके की कंडीशन देख सकते हैं, और वो एक ऐसे माहौल में निकल के पैदा हो रहा है जहां पर उसको हमेशा उल्टी सीधी चीजें देखने को मिल रही है। तो एक ऐसा तबका भी हमारी सोसाइटी का, और ये बहुत बड़ा तबका आप लोग बोल सकते हैं, और खासकर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि देखिए जॉब कर रहे हैं लेकिन अपनी एजुकेशन को साइड में रख दे रहे हैं, पढ़ाई को कभी भी साइड में नहीं रखना है, हमेशा पढ़ते रहना है। एक तो ये आप लोग अपनी पार्ट, एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए,
लीजिए, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आज के में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो देखिए उनको पता ही नहीं है। ऐसे फैक्ट है, बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को फेसबुक पे देखने को मिल जाती होगी, यानी कि कुछ पता ही नहीं है लोगों को, बस अपनी लाइफ में इतना बिजी है, ये सारी चीजें पता ही नहीं है। तो ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी को रिमेंबर रखना इस तरीके से इस वाले एरिया में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा बिजी हम लोग अपने डे बाय डे की लाइफ में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो आप लोग ये बोल सकते हैं, लगभग 70 साल हो गए एसेसिनेशन जब गांधी जी को मारा गया था, या फिर आजादी की आप लोग बोल सकते हैं, अब तक यहां पर हम लोग एक ऐसी सोसाइटी नहीं बनाए जिसको कम से कम एजुकेशन तो हम लोग फ्री प्रोवाइड करा सकें, एक अच्छे लेवल का एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा सकें, हेल्थ हम लोग अच्छी प्रोवाइड करा सकें। जो भी डेवलप इकोनॉमी है वो किस लिए डेवलप है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन का एक लेवल है, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड है, एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, पर लेकिन हमारी कंट्री में चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। हिंद स्वराज ये किताब का नाम आप लोग याद रखते हैं, गांधी जी के द्वारा ये कनेक्टेड किताब है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये किताब है। अगर यहां पर आप लोग देखेंगे जो पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई है, पिक्चर में देखिए यहां पर गांधी जी बैठे हुए हैं और यहां पर एक रिफ्यूजी का जो बच्चा है उसको यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर पढ़ाने की इच्छा आप लोगों के मन में है तो वहां पर पैसे वगैरह ये सब चीजें वहां पर मायने नहीं रखती, आप लोगों को इतनी तसल्ली मिलेगी ना, दिल को एक ऐसा सुकून मिलेगा, और सबसे बड़ी यहां पर एक कोई होड़ नहीं रहेगी कि आप लोगों को पैसा भी कमाना है। तो इस तरीके से आप लोग जब पढ़ाना किसी को स्टार्ट करेंगे तो एक अलग ही लेवल का आप लोगों को एक आनंद फील होगा अंदर से कि हाँ कुछ ऐसा कुछ कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोग करेंगे तो ही समझ पाएंगे, ये मैं कितना भी आप लोग एक्सप्लेन कर लूं आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। जब आप लोग ये कमेंट आते हैं ना कि हाँ सर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, सर आपसे इतना फायदा हो रहा है, यार दिल को एक ठंडक से मिलती है उससे, ठीक है, एक सुकून मिलता है उससे, और वो सुकून ऐसा होता है कि किसी भी पैसे के साथ में आप लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ वो अलग बात है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पर लेकिन एक खुश रहने के लिए और एक आप लोग बोले दिल को सुकून दिलाने के लिए कभी भी पैसा दिल को सुकून नहीं दिला सकता है, थोड़े टाइम के लिए दिला सकता है, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग सुकून चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को अपने पैशन जो आप लोग करना चाहते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को पढ़ा भी देंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिस तरीके से गांधी जी को देखिए। तो ये यहां पर आप लोगों के सामने उदाहरण है, गांधी जी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर एक रिफ्यूजी के बच्चे को वेस्ट बंगाल में जाकर। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग ये पिक्चर ही देखेंगे तो ये पिक्चर सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रही है कि किस तरीके के थे गांधी जी और किस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिली। अगर उनकी जो एक तरीके से सोचने का तरीका विचार थे उनको हम लोग फॉलो करके चलते तो वो हमेशा ये बोलते थे कि हमारा जो कंट्री है वो गांव में बसता है, यानी कि गांव में रहती है हमारी पूरी कंट्री, अगर हम लोग गांव को डेवलप कर देंगे तो हम लोग सब चीजों को डेवलप कर पाएंगे। इसी के पैटर्न पर चलते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गांधी जी ने बोला था। आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं, यानी कि क्या मतलब है इसका, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि गांव में ही आप लोग ऐसी एमिनिटीज ऐसी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करा दो ताकि अर्बन एरिया में उनको जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये तमाम बातें भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग को इंप्लीमेंट करनी चाहिए और इनके बारे में सीखना चाहिए। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आसानी से, आप लोगों को ये बताना है क्या गांधी जी रिलेवेंट हैं आज की डेट में भी और किस तरीके से। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग यहां पर एक पॉइंट डाल सकते हैं, वो क्या है, गांधी जी ने यह बोला था अगर आप लोग पृथ्वी की बात करते हैं, अगर हम लोग अपनी नीड के हिसाब से चले तो हमारी पृथ्वी काफी है, पर अगर हम लोग लालच में आकर पृथ्वी से रिसोर्सेज निकालने लगे, ग्रीड में हम लोग पड़ गए, तो ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वी हम लोगों को कम पड़ेगी। इसलिए हम लोगों को नीड के हिसाब से चलना चाहिए, लालच ग्रीड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। देखिए एक बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, अगर किसी इंसान की आप लोग बात करते हैं ना, एक टाइम में आप लोग एक जोड़ी कपड़े पहन सकते हैं, एक टाइम में पेट भर खाना खा सकते हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये आप लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप लोग ऐसा नहीं कि पूरा शोरूम पहन लेंगे, कितने भी अमीर क्यों ना आप लोग ये नहीं कि पता नहीं कितना आप लोग खा लेंगे कितना पी लेंगे, जितनी एक इंसान के पेट में जगह होती है उतना ही खा पाएंगे, एक दो रोटी ऊपर नीचे हो सकती है। कपड़े आप लोग मिनिमम जितने पहन सकते हैं उतने ही पहन पाएंगे, मैक्सिमम कितने पहन लेंगे 10-12, आप लोग 1000-2000 लाख 2 लाख तो नहीं पहन पाएंगे। तो जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत के हिसाब से काम इंसान को करना चाहिए, ये नहीं कि अपनी लालच के चक्कर में आके सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए। तो ये आप लोग चीजें देख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम लोग इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके चलते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है यहां पर बात की जा रही है, देखिए ऑनलाइन सिस्टम के बारे में। एक तो होता है आप लोग जाते हैं मॉल में, खुद आप लोग सामान खरीद के लेके आते हैं, एक होता है आप लोग घर बैठे हुए ऑनलाइन चीजें खरीद लेते हैं और आप लोग घर पर सामान डिलीवर कर दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में बातें क्या निकल के आ रही है, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम यह निकल के आती है कई बार रूल जो है रेगुलर कई तरीके से चेंज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एफडीआई इन्वेस्टर है उनके माइंड में कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है और वो क्लैरिटी भी नहीं रहती है। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है तो उसके बारे में सोचने के लिए मजबूरी यहां पर निकल के आती है। देखिए आज तो रूल कुछ हो रहे हैं एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, कल को चेंज करके कुछ और कर दिए, तो इसकी वजह से सामने वाला इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार सोचेगा कि पता नहीं यार आज कुछ हो रहा है कल कुछ और कर देंगे परसों कुछ और कर देंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है।
अब यहाँ पर बात करते हैं रूल के हिसाब से, अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है नई और जो नई जो क्लेरिफिकेशन आई उसके हिसाब से बात करते हैं। 2016 की अगर आप लोग बात करेंगे 100% यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक रूल से एफडीआई आती हुई नजर आती थी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर यहाँ पर कस्टमर की बात नहीं की जा रही है, अगर दो एंटिटी आपस में ऑनलाइन व्यापार करती है यानी कि ऑनलाइन बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर काम चलता है, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेच रही है, तो 100% यहाँ पर एफडीआई देखने को मिलती थी। अगर आईटी प्लेटफॉर्म यानी कि कहने का मतलब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग यहाँ पर अगर चल रही है सेलर और बायर के बीच में, तो ये बात यहां पर थी 2016 के रूल के हिसाब से। पर लेकिन अगर यहां पर कोई ई कॉमर्स वाला यहां पर अगर यहां पर बात स्टार्ट करता है इन्वेंटरी गुड और सर्विस में, यानी कि यहां पर अगर वैसे अगर बात करता है बिजनेस टू कस्टमर के बीच में, तो यहां पर इस तरीके से एफडीआई अलाउ नहीं की गई थी। यानी कि अगर बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, अगर कंपनी टू कंपनी यहां पर बिजनेस की बात की जा रही है तो वहां पर तो एफडीआई थी, पर लेकिन ये जो एफडीआई यहां पर अगर बिजनेस टू कस्टमर की बात करते हैं यहां पर नहीं थी, यहां पर कुछ एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। आज की डेट में अगर ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, अगर बात करें अमेजन आप लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट, हालांकि आज के डेट में मैक्सिमम जो वॉलमार्ट के द्वारा खरीद ली गई है। तो अभी जो रूल आने वाले हैं वो 1 फरवरी 2019 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए आज की डेट में दो बातें आप लोग देखते हैं, मान लीजिए अमेजन आप लोग ले लीजिए, ठीक है, अमेजन हो गया एक साइड में। अब अमेजन से एक तो आप लोग सामान खरीदते हैं अपने टी शर्ट वगैरह किताब वगैरह या कुछ भी आप लोग सामान खरीद के लेके आते हैं, एक यहाँ पर कोई कंपनी वाला सामान खरीदते हैं यहाँ पर अमेजन से, यानी कि अमेजन से वो अपना सामान खरीद रहा है और फिर कस्टमर को यहाँ पर बेच रहा है। तो दो तरीके के इंसान हो गए, एक तो कस्टमर हो गए, एक कंपनी वाला खरीद रहा है और वो फिर कस्टमर को बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इंटरमीडिएटरी हो गया। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरी हो गया इसके लिए यहाँ पर नए प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक साइकिल जो बनने वाली है उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मान लीजिए अमेजन से इसने खरीदा किसी कंपनी ने और ये क्या कर रही है फिर से इसको जाकर ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो अमेजन है उसको यहाँ पर ऐसा नहीं बनाना है इससे कोई बल्क में सामान यहाँ पर खरीद सके और फिर से जाकर ऑनलाइन बेच सके। तो ये जो साइकिल है इसको तोड़ने की बात की जा रही है, यानी कि अमेजन को यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस बनाने की कोशिश नहीं की जानी है, उसको बिजनेस से कस्टमर तक ही रखनी है। अगर अमेजन कल को यहाँ पर ऐसी कंपनी बन गई कि सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं इससे सामान खरीद रहे हैं और जाकर एक तरीके से अपना अलग से बेच रहे हैं, यानी कि कंपनी वाले अमेजन से खरीद रहे हैं और फिर से ऑनलाइन जाकर बेच रहे हैं, तो ये यहां पर ये साइकिल जो है यहां पर उस साइकिल को ब्रेक करने की यहां पर पूरी बात की जा रही है। अगर यहां पर 25% से ज्यादा आप लोग इससे सामान खरीद ले रहे हैं तो आप लोग एक तरीके से ई कॉमर्स का पार्ट यहां पर माने जाएंगे और ऑनलाइन बेचना यहां पर आप लोगों का अलाउ नहीं किया जाएगा, आप लोग उसी का पार्ट मान लिए जाएंगे, अलग से आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर वो सारी चीजें नहीं बेच सकते, यानी कि बल्क में आप लोग अमेजन वगैरह से सामान नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं है कि अमेजन से आप लोग यहां पर बहुत सारी किताबें खरीदे और आप जाकर उसको बेचना स्टार्ट कर दें, तो वो वाला फंडा यहां पर नहीं हो सकता, ताकि लोकल जो वेंडर है वो भी अपना काम करते रहे, जो लोकल जो सप्लायर है उनका यहां पर काम बना रहे उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये बात की जा रही है। पर लेकिन बात ये आती है जब निकलकर ऐसी बात करते हैं कि क्या ये फेयर है, क्या ये सही है, तो फिर उसके बारे में यहां पर बात आती है कि किस तरीके से क्या हम लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, तो वो तमाम बातें भी फिर यहां पर निकलकर आने लगती है। इसके अलावा देखिए एक बात और यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक तो यहाँ पर सपोर्ट करना है जो भी खासकर जो वेंडर होंगे जो यहाँ पर लोकल छोटे एरिया में स्मॉल, देखिए कई तरीके देखने को मिलता है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात होती है, बिग वर्सेस स्मॉल की बात होती है, सिंगल ब्रांड, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई यहाँ पर बस टी शर्ट बेच रहा है, पर लेकिन कोई आप लोग ऐसा देखने को मिलेगा जो मल्टी ब्रांड है यहाँ पर, यानी कि टी शर्ट भी बेच रहा है, बैग भी बेच रहा है, जूते भी बेच रहा है, सारी चीजें यहाँ पर बेचता हुआ नजर आएगा। तो किस तरीके से इनके बीच में बैलेंस बना सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर एक कंपनी यहाँ पर अपनी दादागिरी यहाँ पर जमा ले, जैसे जियो आप लोग देखते हैं जियो ने क्या क्या सबको कंट्रोल करने की कोशिश की यहां पर, और आगे चल के आज के में जो पहले ये जिस तरीके के इनके सारे आप लोगों के यहां पर जो भी प्लान देखने को मिलते थे आज के में ऐसा प्लान भी देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होता है एक तरीके से कंट्रोल करने वाली बात होगी सामने वाले को, तो किस तरीके से इसको यहां पर रोक सकते हैं वो सब बातें यहां पर जिक्र किया जा रहा है। देखिए बात ये वैसे तो हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं पर एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म भी हम लोग खेल रहे हैं, तो ये भी बात यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि हम लोग अपनी मार्केट को लोकल को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करें और वैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हम लोग यहां पर चीजों को लेकर चल रही हैं। तो सोचने वाली बात ये होगी किस तरीके से करना है कि बैलेंस हम लोग यहां पर बना सके, तो इस तरीके से हम लोगों को चीजों को आकर लेकर चलना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे जो यहां पर बात की जा रही है ये बात की जा रही है पोस्को के बारे में, इसके बारे में याद रखिएगा। आप लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि बच्चे के साथ मगर कोई भी गलत हरकतें होती हैं उससे उसको बचाना है, इसी के लिए कई सारे प्रोविजन आप लोग देखते हैं। तो यहां पर इसी के अंदर यहां पर चेंज किया गया है, अब बोला गया है कि अगर यहां पर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करता है बच्चे के साथ में तो उसको 12 साल, उसके 12 साल से बच्चे के जो 12 साल के नीचे का बच्चा है तो उसको यहां पर क्या क्या सजा दी जा रही है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है अगर 12 साल से नीचे के बच्चे को तो 20
साल तक की जेल या फिर लाइफ टाइम या फिर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ये काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम जो जेल टर्म यहां पर रही, जो यहां पर पहले जो 7 साल थी उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया अगर एशोल्ट करता है। ये आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर कोई एग्रीव्ड यहां पर कंडीशन निकल कर आती है तो उसको पहले आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर 16 साल से नीचे के लिए 20 साल कर दिया गया है। यानी कि 12 साल से नीचे के साथ में करता है तो बिल्कुल खतरनाक है, अगर 16 साल से नीचे गए तो 20 साल तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी के सार में अगर बात की जाती है ये पोर्नोग्राफी वगैरह ये सब चीजें, तो उसके लिए यहां पर 5 से 3 साल की यहां पर सजा दी जा सकती है। ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं। तो किस तरीके से यहां पर अगर कोई ऐसा करता है यहां कि बच्चों को किसी तरीके की छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए 1000 का फाइन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह कि बच्चों के साथ में कोई छेड़खानी ना हो, कोई उल्टी सीधी हरकतें ना हो, उसे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कि इसके बारे में ये नेक्स्ट यहां पर जो बात चल रही है हमारी कंट्री में मैन मिशन की बात की जा रही है जिसको हम लोग गगनयान बोलते हैं। तो गगनयान के लिए बोला गया कि 7 दिन की यहां पर ये एक यात्रा होने वाली है जिसमें 3 हमारी कंट्री के सिटीजन जाएंगे और लगभग 2022 में भेजने की बात की जा रही है और 10,000 यहां पर खर्च करने की बात की जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। और GSLV Mark 3 यहां पर ये इसको स्पेस में लेकर जाएगा। आगे यहां पर बात की जा रही है कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में जिसको CRZ आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग अपना कोस्टल एरिया डेवलप करना है ताकि बहुत सारी कंट्री यहां पर छोटी छोटी जैसे सिंगापुर जैसे बहुत सारे एरिया हम लोग बना सकें। यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें, खासकर कोस्टल एरिया को। काफी न्यूज में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने अगर प्रोमो देखा हो, नहीं देखा हो तो देखिएगा, ये पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड है। और ऐसी मूवियां जरूर देखा कीजिए, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर ये मूवी अभी काफी न्यूज में, ट्विटर पर यहां पर एक तरीके से लड़ाई छिड़ रही है इस मूवी को लेकर, जिसमें यहां पर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी को यहां पर दिखाया गया अलग तरीके से। तो काफी इंटरेस्टिंग था देखना, देख सकते हैं आप लोग जाकर भी। देखिए कई बार ऐसी हरकतें होती हैं, जब तक टूट नहीं जाता तब तक उसको यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी एक ब्रिज यहां पर लगभग 100 साल पुराना था, तामसा रिवर, याद रखिएगा तामसा रिवर जो कि देहरादून में आप लोगों को देखने को मिलती है, तामसा रिवर का ब्रिज गिरा और यहां पर कई लोगों की डेथ हो गई। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं अगर कोई न्यूज में था, जैसे तामसा रिवर आप लोगों से पूछ लेगा ये कहां पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहां पर कंपेयर किया जा रहा है मोदी जी की जो ट्रेवल हुई है यहां पर 5 सालों में और जो मनमोहन जी ने जो यहां पर यात्राएं की थी, तो मनमोहन जी ने 38 और यहां पर मोदी जी ने 48 करी हैं। अगर खर्चे की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर उसकी देखा आप लोग देखते हैं फॉरेन ट्रिप का जो प्राइस यहां पर देख सकते हैं। तो खर्चे की बात करें तो यहां पर यह इन्होंने किया था यहां पर 429, इन्होंने किया था 493 पर। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करें तो जो इनका रहा ये काफी ज्यादा रहा, लगभग इनसे डबल आप लोग देखते हैं, 1574 करोड़ रहा यहां पर और यहां 842 करोड़ रहा यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर देखते हैं, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया की, आप लोगों की टैक्स की मनी कहां पर खर्च की जा रही है। बात करते हैं इंडिया और भूटान के बारे में, तो यहां पर बात की जा रही है भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की विजिट पर है, तो हमने अभी भूटान को 4,500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है, जो कि यहां पर 12वां इनका 5 ईयर प्लान रहेगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ में हम लोगों ने हमारी इसरो के द्वारा स्पेस सेंटर खोलने की बात की गई है भूटान में। और नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है रुपए कार्ड भी भूटान यूज करेगा आने वाले टाइम में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर होम मिनिस्टर जी ने यह बोला है कि जम्मू कश्मीर में जब चाहे इलेक्शन करा लो, हम लोगों ने ना तो आज तक रोका है और ना कभी रोकेंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर ड्राफ्ट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2018, जो कि यहां पर अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबल जो मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा सके और खासकर हेल्थ केयर सिस्टम को सही इंप्लीमेंट किया जा सके हमारी कंट्री में, तो वो देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की अगर बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं ये कंट्री यहां पर अफ्रीका में देखने को मिल रही है, चड हो गया, सूडान हो गया, आपका कैमरून हो गया, आपका इसके अलावा इधर देखेंगे कोंगो और ये हो गया कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं, ये हो गया यहां पर फ्लैग। करेंसी की अगर यहां पर बात करें तो इसकी CFA फ्रैंक या फिर सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक आप लोग देखते हैं और बेंगुई यहां पर इसकी कैपिटल आप लोग देख सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है यहां पर ये, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी 4 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनका आंसर आप लोगों को देना है। पहला है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कब का है, ये केस आप लोगों को बताना है, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन देने की बात यहां पर की गई थी। सेकंड है यहां पर महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी कौन से नंबर की थी, जहां पर जमाल खशोगी को मारा गया यहां पर, ये आप लोगों को बताना है, जो कि 2 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कौन सा डे है यहां पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो नॉन वायलेंस डे के रूप में भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये कौन से टाइम का एक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। गगनयान जो यहां पर सेंड करने की बात की जा रही है एस्ट्रोनॉट हमारी कंट्री से, तो ये कितने दिन का मिशन है यहां पर और कितना कॉस्ट यहां पर इसकी आने वाली है, जो कि 2022 में बोला गया है भेजने के लिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता हूं उनका आंसर दिया कीजिए, जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाना मत भूलेगा और इसके अलावा अपना रिविजन करते रहिए,
रहिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।